गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं आशीष कुमार वाजपेयी आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ का बहुत सारे स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होती है किसी संख्या का मतलब नंबर लोग एल निकालना एस निकालना थोड़ा टाइम लगता है उसको बचाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ फिलहाल हम लोग को बेसिक सीखना है फिर इसका और भी बड़े बड़े नंबर का हम लोग एल और एस निकालने के लिए सीखेंगे मैं कुछ नंबर लिया हूँ आपका जिसका हम लोग को एल निकालना है सी मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा वो मल्टीपल चाहिए जो जितने सारे डिजिट दिए हैं उसे सबसे फैक्टर होना चाहिए ठीक है तो चलिए जैसे मेरे सामने कुछ नंबर है टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर आपका वन ट्वेंटी एट इसका हम लोग एलसीएम निकालना चाहते हैं तो बचपन में हम लोग एक सीढ़ी बना करके निकालते थे तब जाके मेरा लास्ट में आंसर आता था पर ये सब क्वेश्चन हम लोग चंद सेकेंड में और आसानी से निकाल सकते हैं तो इसके लिए क्या करना है सब मल्टीपल सिप सबको पता रहना चाहिए मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि टेबल याद रहना चाहिए कम से कम ट्वेंटी तक तो छोटे छोटे सब नंबर का एलसीएम एल सीएम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है जैसे जो नंबर है मेरे सामने इसका हम लोग एलसीएम निकालना चाहते हैं हमको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है और उसका मल्टीपल कौन कौन उसका जो है छोटा नंबर है ठीक है जैसे कि यहाँ पर टू दिया हुआ है अब टू का मल्टीपल फोर है तो अब कोई छोटे नंबर से कोई मतलब नहीं है अब मैं फोर के पास आता हूँ एट है ये भी तो फोर का मल्टीपल है तो फोरथ का कोई मतलब नहीं है सिक्सटीन के पास जाता हूँ एट इसका मल्टीपल है इसी तरह सारे संख्या क्या है ये इसका मल्टीपल है जो छोटा नंबर होगा काट देंगे जो लास्ट में बच गया वही मेरा इसका एलसीएम हो गया ठीक है जैसे इस क्वेश्चन पे आता हूँ हमको निकालना है फोर ए फोर एट सिक्सटीन और सिक्सटी फोर का एलसीएम तो सबसे पहले फोर का मल्टीपल एट होता है तो हमको छोटे नंबर से कोई मतलब नहीं है एट का मल्टीपल सिक्सटीन है एट से कोई मतलब नहीं है सिक्सटीन का मल्टीपल सिक्सटी फोर है जिसका एल्सीय हो गया सिक्सटी फोर उसी प्रकार हम चार फोर है पंद्रह है सॉरी फोर फिफ्टीन और थर्टी और सिक्सटी को मैं एलसीएम निकालना चाहता हूँ इसका अब फोर का मल्टीपल इसमें क्या है सिक्सटी है तो फोर्टीन से कोई मतलब नहीं है फिफ्टीन का भी मल्टीपल ये है इससे कोई मतलब नहीं है सिक्सटी का मल्टीपल ये है इससे कोई मतलब नहीं है इसका एलसीएम हो गया ये अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखें वो सारे नंबर एक दूसरे के मल्टीपल थे ऐसे भी क्वेश्चन आता है जिसमें एक दूसरे का मल्टीपल ना हो उसको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं चलिए अब चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है जैसे कि सारे संख्या एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है कुछ है सारे नहीं है अब जैसे सेवन का मल्टीपल यहाँ पे कुछ नहीं है ठीक है फोर्टीन का भी मल्टीपल नहीं है पर फोर्टीन का मल्टीपल एट्टी है तो इससे कोई मतलब नहीं है पर सेवन का मल्टीपल फोर्टीन है हम इसको कैंसिल कर देंगे अब ये फोर्टीन से एट्टी नहीं कटता है तो आपको अब क्या देखना है ऐसा कोई आपको नंबर लेना है जिसको आप एस कर सकते हैं कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों का ए बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों को फैक्टर कर दे कुछ भी हो सकता है एक दो तीन चार जो भी जैसे फैक्टर हो उस संख्या को लेंगे जैसे फोर्टीन का फैक्टर टू से ये भी कट सकता है टू से ये भी कटेगा फोर से ये कटेगा पर ये नहीं कटेगा यानी कुल मिला हमको टू से ही फैक्टर किसी एक नंबर को फैक्टर कर दीजिए आप इसे कीजिए या इसे कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता अब इसको काट सकते हैं मैं इसको काट देता हूँ ये सेवन भी कट गया अब क्या करना है इसको इससे गुना कर देंगे सेवन को एट्टी से गुना कर देंगे इसका आंसर हो जाएगा फाइव सिक्सटी इसका एलसीएम निकल गया उसी प्रकार अब इसमें देखना है कि ये सारे संख्या किसके इसका मल्टीपल है देखिए बारह का मल्टीपल आपका फोर्टी एट है बारह कैंसिल हो गया फिफ्टीन का मल्टीपल थर्टी है तो फिफ्टीन कैंसिल हो गया अब थर्टी का मल्टीपल फोर्टी एट नहीं है तो आपको इसका हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर लेना है कि ऐसा कोई नंबर जो दोनों को कट कर दे बड़ा सा बड़ा नंबर अब दो से भी कटता है तीन से भी ये कटता है तीन से भी कटता है चार से ये कटता है पर ये नहीं कटता है अच्छे से कट कीजिए अच्छे से ये भी कटता है अच्छे से ये भी कटता है और कोई तो नंबर है नहीं इसका मतलब छः से कटेगा किसी को भी काटिए इसको या इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आपका एट टाइम में कटेगा इससे इसी गुना कर दीजिए इसका आंसर टू फोर्टी चलिए इस नंबर का मैं एलसीएम निकालूंगा अब देखिए फोर्टीन है थर्टी फाइव सेवेंटी और एट्टी अब फोर्टीन का मल्टीपल सेवेंटी है चलिए फोर्टी को काट देंगे सेवेंटी थर्ट सेवेंटी का मल्टी थर्टी फाइव का मल्टीपल सेवेंटी है तो क्या हुआ थर्टी फाइव कैंसिल हो गया जब भी हम लोग इस टाइप के शॉर्ट में एलसीएम निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी हम लोग कट करेंगे छोटे नंबर को कट करेंगे ठीक है बड़ा नंबर को हम लोग को नहीं काटना है अब देखिए सेवेंटी के मल्टीपल में एट्टी आता नहीं है तो आपको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों को कट कर दे यानी कर सकते हैं सेवेंटी और एट्टी का जो एस होगा उस नंबर को ढूंढना होगा तो ऐसा कोई डिजिट जो दोनों को कट कर दे एक टेन है और किसी से कटेगा नहीं किसी को भी फैक्टर कीजिए आप सेवेंटी को फैक्टर कीजिए एट्टी को आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको इस कर देंगे इसका आंसर हो जाएगा पाँच सौ साठ चलिए तो था एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट और भी इसमें बड़े बड़े नंबर है उसका भी एलसीएम निकालने सीखेंगे थोड़ा सा हम लोग एस का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं ठीक है अब शॉर्ट में हम लोग एस निकालने के लिए सीखेंगे एलसीएम निकालने के लिए सीख लिए अब एस निकालने के लिए सीखेंगे जैसे कि शॉर्ट में एस कैसे निकाला जाता है मैं कुछ नंबर लिया हूँ इसका एस निकालेंगे शॉर्ट में ये सब बेसिक क्वेश्चन है और ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है चलिए कुछ बेसिक क्लियर करते हैं इसको सीख करके हम लोग सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एस मतलब होता क्या है एस मतलब होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर यानी आपको एक बड़ा बड़ा से बड़ा नंबर लेना है जो सबको फैक्टर कर दे ट्वेल्व को भी फैक्टर करना चाहिए ट्वेंटी फोर को भी करना चाहिए थर्टी सिक्स को भी करना चाहिए ऐसा आपको एक नंबर लेना है जो तीनों नंबर उससे पूरी तरह कट दिया बड़ा सा बड़ा नंबर हो ठीक है चलिए जब भी हम लोग एस निकालेंगे तो हमको इसमें क्या करना है जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको कॉमन कर लेना है यानी टूएल्व का अब इसके साथ हम लोग कंपेयर इसके मल्टीपल में देखते हैं कि संख्या कटती है कि नहीं जो भी डिजिट दिया हुआ 12 करता है टूवेल्व से कटता है कि नहीं देखिए टूवेल्व से टूवेल्व कटता है ट्वेंटी फोर भी कटता है थर्टी सिक्स भी कटता है इसका मतलब इसका एस सी एफ हो गया टूवेल्व इस क्वेश्चन पे आते हैं इसमें भी सबसे पहले क्या करना है आपको अब देखना है सबसे छोटे नंबर को हम लोग को रिजर्व कर लेना है इसका सबसे छोटा नंबर जो है वो सिक्सटीन है अब देखना सिक्सटी से कौन 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 सा नंबर इसमें कटता है सिक्सटीन से सिक्सटीन कटता है फोर्टी एट कटता है फिफ्टी सिक्स नहीं कटता है एट्टी एट भी नहीं कटता है अब क्या करेंगे अब सिक्सटीन का जितना मल्टीपल होता है वो सारे को लिख लीजिए जैसे कि एट के टेबल में सिक्सटीन आता है फोर के टेबल में सिक्सटीन आता है टू का टेबल में सिक्सटीन आता है वन के टेबल में सिक्सटीन होता है अब सिक्सटीन से अगर फैक्टर नहीं हुआ अब दूसरे नंबर से देखेंगे इसका अब एट से देखते सारे नंबर फैक्टर होता है कि नहीं देखिए एट से सिक्सटीन कटता है फोर्टी एट भी कटता है फिफ्टी सिक्स भी कट रहा है एट्टी एट भी कट रहा है इसका मतलब इसका एस हो गया चलिए <laughs> अब इसमें भी कंपेरिजन करना हम लोग को अब देखना है कि इसमें छोटे नंबर को हम लोग रिजर्व कर लेंगे सबसे पहले अब थर्टी का मल्टीपल ना फोर्टी है ना थर्टी वन है तो इसका जितना भी मल्टीपल है सारा लिख लीजिए देखिए मल्टी पंद्रह का मल्टीपल में थर्टी आता है आपका टेन का मल्टीपल में आता है सिक्स का मल्टीपल में आता है फाइव का मल्टीपल में आता है टू का मल्टीपल में आता है वन के मल्टीपल में आता है अब फिफ्टीन से ये कटेगा ये नहीं कटेगा पर ये कटेगा चलिए ये भी मेरा एस नहीं होगा कि तीनों नंबर कटना चाहिए दस का कंडीशन है कि जब लास्ट का डिजिट जीरो है तभी दस से कटेगा मतलब थर्टी का ही फैक्टर करेगा ये ये दोनों का नहीं करेगा तो ये भी आपका बार हो गया सिक्स से आपका थर्टी कटेगा फोर्टी टू कटेगा पर इसका लास्ट में फाइव ये सिक्स से नहीं कटेगा इसका एस सी भी नहीं होगा फाइव से जब फैक्टर करेंगे थर्टी कटेगा आपका फोर्टी टू नहीं कटेगा वन थर्टी फाइव कटेगा नहीं पूरे सारे नंबर नहीं कट रहे इसका मतलब मेरा एस सी एफ फाइव भी नहीं होगा अब देखना थ्री अब थ्री से थर्टी कट रहा है फोर्टी टू भी कट रहा है और मेरे ख्याल से वन थर्टी फाइव भी थ्री से कट रहा है इसका एस सी एफ होगा थ्री दूसरे क्वेश्चन कोछ, चौथे क्वेश्चन में आता हूँ सबसे पहले हमको फोर्टी एट का मल्टीपल लिख लेंगे ट्वेंटी फोर हो गया सिक्सटीन हो गया एट हो गया फोर हो गया थ्री हो गया टू हो गया वन हो गया अब हमको फैक्टर करना है फोर्टी एट से इसी फोर्टी एट कटता है ट्वेंटी फोर से फोर्टी एट भी कटेगा और तो कोई नंबर कट नहीं रहा है तो ये भी मेरा एस सी एफ नहीं होगा सिक्सटीन से आपका फोर्टी एट कटेगा आपका और भी कोई नंबर इसका फैक्टर नहीं मिल रहा तो ये भी नहीं होगा एट से फोर्टी एट कटेगा सिक्सटी भी नहीं कटेगा इसका भी फैक्टर नहीं मिल रहा है अगर फोर से कट करेंगे तो फोर्टी एट कटेगा आपका सिक्सटी भी कटेगा एट्टी फोर भी कट रहा है और वन हंड्रेड एट भी कट रहा है इसका एस सी ऑफ हो गया फोर एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं उसी से रिलेटेड है इसमें हम लोग को नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है मतलब ये कुछ डिजिट दिया हुआ है इसको हमको मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड से देखना है कि इसमें कितने जीरो आएंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कुछ कुछ तीन चार क्वेश्चन लिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए आखिर जीरो बनता कब कोई भी संख्या के बीच में हमको जीरो कम मिलता है हम लोग जब कोई ईवेन नंबर को फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको जीरो मिलता है जैसे एग्जाम्पल के लिए टू टू को अगर फाइव से इंटू करेंगे टेन आया तो एक जीरो मिला अगर फोर को हम लोग फाइव से इंटू करेंगे ट्वेंटी बना एक जीरो मिला मतलब जब भी कोई हम लोग ईवेन नंबर को हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको एक ज़ीरो प्राप्त होगा ठीक है

एक पहला पॉइंट छोड़ के बाकी दोनों को जोड़ देंगे यानी अगर वन को आप हंड्रेड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दाहिने तरफ से आपके जीरो आएगा ठीक है है एक और क्वेश्चन इसका भी बनाने का सेम कंडीशन है इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे एलसीएम हमेशा फाइव से लेना है जब तक फैक्टर नहीं होगा इसका फैक्टर करते जाना है डेढ़ सौ बार में कटा तीस बार में कटा छह बार में कटा पांच से रिमाइंडर वन हमको पहला लाइन छोड़ करके बाकी सबको प्लस कर देना है यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और दाहिने साइड से काउंट करेंगे तो हमको आपको जीरो मिलेगा 150 फिफ्टी प्लस थर्टी प्लस सिक्स प्लस वन यानी वन एट्टी सेवन में उसी प्रकार ये है तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को जीरो फाइन करना है ये एक इवेंट नंबर है एक इवेंट नंबर का सीरीज है टू से लेकर के हंड्रेड तक इसमें हमको देखना है इसमें कितना जीरो है तो इसको भी हमको मल्टीप्लाई करना है इसमें हमको फाइव नहीं मिलेगा ठीक है हम पहले ही बताएं जब इवेंट नंबर को जब हम पांच से गुना करते हैं तब जीरो मिलता है पर फाइव हमको नहीं मिलेगा पर जहां जहां टेन ट्वेंटी थर्टी टेन का मल्टीपल मिलेगा वहां एक जीरो बनाएगा इसीलिए जब भी इवेंट नंबर का क्वेश्चन आए जो लास्ट सा नंबर होगा उसको सबसे पहले हम लोग हाफ कर देंगे यानी फिफ्टी बाकी फिफ्टी का हम लोग एलसीएम लेंगे यानी अब टू से लेकर के हंड्रेड तक का इवेंट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो राइट साइड से आपको ट्वेल्व जीरो मिलेंगे अब चौथा तो क्वेश्चन हम लोग के पास है ये सारा ओड नंबर है एक से लेकर के नाइनटी नाइन तक इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना जीरो मिलेगा उसको हमको फाइन करना है तो इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा इसमें फाइव तो है पर इवेंट नंबर एक भी नहीं है अगर इवेंट नंबर एक भी नहीं है तो ये जीरो कभी भी नहीं बना पाएगा यानी कुल मिला के इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगा इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगा आज हम लोग जो पढ़े एल सी एम एल सी एफ का बेसिक कॉन्सेप्ट था बेसिक क्वेश्चन इसे क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारा बड़े बड़े नंबर का एल निकालने के लिए सिखाऊंगा और एस लेने के लिए और नंबर ऑफ़ जीरो का भी बहुत सारा टाइप है और बाकी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो है जो आप लोग के एग्जाम के पर्पज़ से बनाया गया है अगर अच्छा लगे देखिए उसको और ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू